नागपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। होकर मणिपुर स्टेट के लिए प्रार्थना करनी है कि दो गुट जो वहाँ पे लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई बंद हो जाए, सरकारें जागे और सब काम हो। जाएंगे जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सता। ओके, जितने मणिपुर के बिलीवर हैं आप मुझे सुन रहे हैं, कॉल सेंटर का नंबर स्क्रीन पे चलाओ, जो कॉल सेंटर का नंबर है। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु भोज के द्वारा और प्रभु की मदद के द्वारा जो आज हम बढ़े हैं, हमें भी लोगों ने मदद की इसी तरह, और आज प्रभु ने हमें जरिया बनाया। तो मैं भी चाहता हूँ कि प्रभु आपको भी जरिया बनाए और इन बेसहारा का और बेजुबानों का जो देख नहीं सकते, उनकी छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर एक रुपए से लेके आप जो चाहें वो दे सकते हैं। और मैं इसमें अपना फाउंडेशन और अपने नींव रखना चाह रहा हूँ प्रभु के कामों में शामिल होने के लिए। रेस्क्यू कार पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। और बीज बोएं, और बीज बोने से आपको मालूम है कि फल मिलता है। होकर एक मन होकर मणिपुर स्टेट के लिए प्रार्थना करनी है कि दो गुट जो वहां पे लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई बंद हो जाए, सरकारें जागें और सब काम हो। हालेलुया। अपने आप लोग मणिपुर के लिए खास कल से हम प्रेयर करनी शुरू करेंगे। ओके, जितने मणिपुर के बिलीवर हैं आप मुझे सुन रहे हैं, कॉल सेंटर का नंबर स्क्रीन पे चलाओ, जो कॉल सेंटर का नंबर है। मणिपुर के जितने विश्वासी हैं, जितने लोग हैं वहां पे, बताया जा रहा है कि फूड की कमी है, कपड़ों की कमी है, लोग थोड़ा मुश्किल में हैं, तो आपको कॉल सेंटर का यह नंबर है, इस नंबर पे कॉल करनी है। आपको बताना है आप कहां से बोल रहे हो, क्या जरूरत है, क्या नीड है। मैं आपको बताना चाहता हूं 7-8 दिन के अंदर अंदर वो सारा सामान आपकी स्टेट में पहुंच जाएगा, जो भी आप चाहोगे, वो 100 ट्रक हो, वो 50 ट्रक हो सामान से भरे हुए, जो भी हो, जस्ट आपको बताना है कौन सा एरिया, कौन सी जगह, कौन सा है, क्या चाहिए, कहाँ लोग हैं वो अफेक्टेड, क्योंकि मणिपुर के बहुत से बिलीवर्स हैं चर्च के, तो उनको ये नंबर पे कॉल करके अपने सारे केस को बताना है और सारी सिचुएशन को बताना है कि कहाँ कहाँ लोग हैं और कहाँ कहाँ उनको क्या क्या चाहिए। और कल से दूसरी तरफ आप लोग प्रेयर करना शुरू करेंगे, जो रोज, पहले मैंने सोचा था एक दिन हम रखेंगे खास प्रेयर के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये एक दिन का मसला है नहीं, ये रोज का मसला है। तो रोज हम प्रेयर करेंगे, रोज एवरी डे आप लोग रोज जो आते हो प्रार्थना करने के लिए। मणिपुर के लिए टीम भी ये ध्यान रखेगी और आप लोग भी ध्यान रखेंगे, मणिपुर को अपनी जो प्रेयर पॉइंट है उसका एक मेजर हिस्सा बना के हम लोग कल से उसके लिए प्रार्थना करना शुरू। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की, और प्रभु आपके जीवन में हर एक बुराई, हर एक तकलीफ इसी क्षण, इसी वक्त हवा में उड़ा दे। आमीन। मेरे भाई बहनों, हर वक्त हर जगह एक एलिगेशन, हर टैग हम पर लगा जाता है, क्रिश्चियनिटी पे लगा जाता है, जीसस क्राइस्ट पे लगा, और जिनको प्रभु आज चुनता है उन सब पे लगता है, चाहे वो प्रॉफिट जी हो, चाहे वो हमारे प्रभु के पहले के दास हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे प्रभु को जिनने माना उन्होंने घड़ी, उस घड़ी से लेकर मृत्यु तक परीक्षाएं दिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत स्ट्रांग लोग हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता है और ना ही कोई आपको झुका सकता है और ना ही कोई आपको किसी चीज़ से भरमा सकता है। आज चारों तरफ जो लोग परमेश्वर की बुराइयां करते हैं, जो एक पार्ट पर बैठ जाते हैं, वो कोई से मज़हब के क्यों ना हो, वो कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, परंतु वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर, प्रभु यीशु का नाम लेकर, पवित्र आत्मा का नाम लेकर
वो कहते हैं कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ पर पेशा देके क्रिश्चियन बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, आप सबको पता है। परंतु मेरा ये मन कहता है कि हमें डरने चमकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं उन पर आरोप लगे जाएंगे। जो लोग आपको पर आपके जीवन पर एलिगेशन लगाते हैं उनके लिए वह खुद ब खुद अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं। परंतु जो बाबा उन हैं, जो आज किसी भी पद पर हैं, मैं जानता हूँ शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे बताने के लिए किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रभु यीशु मसीह में एक एक वचन में वो ताकत है, आज तक उनने वचन में हमें ये ना सिखाया और ना ये बोलना कि आप किसी की बुराई कर कर भलाई को प्रकट करो, ऐसा नहीं होता। जहाँ जाओगे वहाँ पर पहले बुराई की जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा आपकी कमज़ोरियों को पकड़कर। आप इस चीज़ से क्लियर हो जाए, परमेश्वर आपसे ज़्यादा महान है। परमेश्वर आपको प्रतिदिन देखता रहता है, वो आपकी अच्छाइयों को बुराइयों को देखता रहता है। आप हिम्मत ना हारें। जो लोग प्रभु में नए आ रहे हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु उनके लिए करता है, वो हमारे द्वारा नहीं करता, वो किसी बाबा और किसी जन्म दिए माँ बाप के द्वारा नहीं करता, वो हमारी माता के गर्भ से जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे उठने बैठने का हिसाब रखता है। आप अपनी चिंताएं उसको सौंप दें बिना किसी धन के, बिना किसी पैदल यात्रा के, बिना किसी पहाड़ों पर चढ़ने से, बिना किसी को कुछ खिलाने से, झूठा बात और झूठी बातें बोलकर डराने से। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं आपको एक इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाओगे आपकी कमज़ोरी को आप ताकत बना लो। आप अपनी कमज़ोरी किसी से शेयर मत करो, आपकी तकलीफ़ सिर्फ प्रभु से शेयर करो जो जिंदा खुदा है। अगर आज आप परेशानी में हो तो उसका हल उसके पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं। ये मेरा अनुभव है, मैं दुनिया में भटक चुका हूँ, परंतु मुझे सिर्फ सच्चा मार्ग प्रभु यीशु ने ही दिया है। उसी के द्वारा मैं जीवित हूँ और उसी के द्वारा आप भी जीवित हैं। लोग आप पर आरोप लगाएंगे, आप प्रचार करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप दुआएं करें सबके लिए, कोई नहीं आपके साथ, परमेश्वर खड़ा है। आप महसूस करेंगे तो वो आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा और सबको हराने का वक्त आ चुका है। मेरे भाई बहनों, कितने भी आरोप लग जाए, परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के जन को दबाते हैं, परमेश्वर उन्हीं जनों को उनसे ऊपर लेके आता है। यस, आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।